X9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे हरियाणा को लेकर। देखिए, बीते कल हरियाणा की सबसे हॉट सीट यानी कि आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे यानी कि भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और उसके बाद अगर हम बात करते चले कि कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश को उम्मीदवार यहाँ पर नियुक्त किया गया, लेकिन यहाँ पर हम बताते चले कि बड़ा मुकाबला देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपना उम्मीदवार उतारा गया, लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते रहे हैं। देखिए, आदमपुर का कोई भी चुनाव हो भजनलाल परिवार का नहीं बल्कि आदमपुर की जनता का होता है और इसे आदमपुर की जनता मिलकर लड़ती है। ये बात बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार आदमपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर के कार्यकर्ताओं से कही। उन्होंने पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को भ्रष्ट की सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रॉपर्टी डीलर का काम किया है, पूरे हरियाणा का विकास करवाने की बजाय एक एरिया विशेष का विकास करवाया है। यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार चुनाव लड़ने से डर रहा है। पिता स्वर्गीय भजनलाल की मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के बावजूद वो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, ना कभी मंत्री बने, कुछ भी नहीं रहे। फिर भी चैलेंज करता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का कोई भी सदस्य है उनके बेटे के सामने चुनाव लड़कर देख ले, लोकप्रियता का पता चल जाएगा। वो यदि एक साल के लिए भी मुख्यमंत्री बन गए तो हरियाणा के प्रत्येक हलके से चुनाव लड़कर दिखा देंगे। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे के सामने मैदान में उतरते हैं तो दो दो हाथ करने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल की सरकार में तीसरा उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतकर दो चुनाव में हुई हार का बदला ले लेगी। इस तरीके से आदमपुर में जो उपचुनाव हुए हैं उससे पहले कुलदीप बिश्नोई की तरफ से खुली चुनौती दी गई थी भूपेंद्र हुड्डा को, लेकिन हम आपको बताते चले कि भूपेंद्र हुड्डा के परिवार से कोई नहीं आया, ना उनका बेटा यहाँ पर इस सीट पर खड़ा हुआ। इस सीट से खड़ा किया गया पूर्व विधायक यानी कि जयप्रकाश को। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच में किसकी बड़ी जीत यहाँ पर होती है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।